How are you, Mr. Sidhu? Hi. Lovely weather. It's drizzling inside. Why are you laughing, man? आपको पता है आप ऐसे हंस के ना आदमी का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो. इसलिए हम जैसे बच्चे डर के बड़े होते हैं. पता है हम लोग बचपन में बिजली की नंगी तार से उतना नहीं डरते थे जितना इंग्लिश की किताब से. ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हमारे लोगों ने. पता है आप हिंदी गलत बोल दो कोई बुरा नहीं मानेगा. इंग्लिश जरा सी गलत बोल दो स्पीकिंग रॉन्ग. क्यों भाई? सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने. सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलती लड़कियां और बोलेंगी भी किसके साथ? गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले के साथ, पानीपुरी वाले के साथ. रिक्शा वाले को बोल रही होती है यू मीट इज रनिंग फास्ट, यू चार्जिंग 2 रुपीज एक्स्ट्रा. अबे तेरे को इतनी अंग्रेजी आती, 2 रुपए के लिए लड़की रही जा, मर जाके निकल. पानीपुरी वाले से बोल रही होती है एक्सक्यूज मी भैया कैन यू सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर. किरेम से मैं एक्स्ट्रा पानीपुरी. अबे उसको इतनी अंग्रेजी आती वो क्या पानीपुरी भेजता बेचारा. लास्ट में इनका असली करेक्टर बाहर आता है जब 15-20 पानीपुरी खा के उसको बोलते ना भैया भैया सूखी पपड़ी तो दी नहीं आपने कॉम्प्लीमेंट्री. और शादी के बाद भी नहीं सुधरती है. पता है आपको घर में कोई मेहमान आ जाए ना वहां पे भी स्टेटस दिखाएंगे कि हमारे तो बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं. बच्चे ने स्कूल जाना भी नहीं शुरू किया, 3 साल के बच्चे को बोल रही है रिमेंबर अरुण अंकल, रिमेंबर बेटा. बच्चा भी देख रहा होता है कि अंकल तो गया भाड़ में, मैं तो रिमेंबर भी पहली बार सुन रहा हूं. अच्छा कई लड़कियां ना औरतें कई अपने कुत्तों से इंग्लिश में बात करती. बेबी प्लीज स्लीप ना, डोंट बार्क, प्लीज डोंट बाइट मी, ओ ना मत करो ना. अच्छा बाहर से कोई आदमी निकल रहा है ना, बाहर से कोई आदमी निकल रहा है, उसको कंफ्यूजन हो जाती है. उसको लगता है यार अपने पति से इतना प्यार करती है, उसको बेबी बोल रही है, बेबी प्लीज स्लीप. वो बाहर खड़ा आदमी ना अपने मन में फीलिंग ले जाता है कि काश मैं इसका हस्बैंड होता, और अंदर उसका खुद का हस्बैंड खड़ा सोच रहा होता है कि काश मैं कुत्ता ही होता. इंग्लिश ना आने के नुकसान भी बड़े हैं. आप देखो आप किसी होटल में चले जाओ, कोई आपका गेस्ट आया, कोई अमीर गेस्ट आया, आपका रिश्तेदार आया, उसको 5-star होटल में ले जाते हो, वहां पे जाके आप अपनी मर्जी से ऑर्डर भी नहीं कर सकते बिकॉज वेटर भी इंग्लिश में पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर. मेहमान मेन्यू उठा के बोलता व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वेज और नॉन वेज. आदमी कहता ना देख लो आप जो मंगा खा लेंगे उसमें क्या है. क्या बताए. सो इसलिए कहीं कहीं जरूरी भी है. लेकिन भाजी आपने क्यों सीखी, आप तो स्पोर्ट्समैन ठहरे, आपने कौन सा एक्सक्यूज मी कहकर चक्का मारना होता है. लेकिन जरूरी भी होता है बिकॉज कई बार क्या होता है जब मैच जीतने के बाद आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती कमेंटेटर के साथ, तो कई खिलाड़ी वहां पे फंस जाते हैं. जैसे हमारे इज़मामुल हक साहब, वो इसी चक्कर में मैच हार जाते थे कि जीतने के बाद कमेंटेटर के साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी. मैंने खुद देखा है एक मैच जीतने के बाद ना कमेंटेटर इंज़माम साहब को बोल रहे थे इंज़माम योर टीम प्लेड वेरी वेल, यू गाइस वन एंड कांग्रेचुलेशंस. तो ये बेचारे घबराए, नॉट माय फॉल्ट एक्चुअली, वाले की कृपा है, होता है. अब आपको पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट अंग्रेजों ने की है. एक एक वर्ड के हजार हजार मतलब बनाए. ऑलरेडी माफी के लिए सॉरी वर्ड था, हम सब ने याद भी कर लिया था, उसके बाद में ये अपोलोजाइज घुसेड दिया. अच्छा वो मुश्किल से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, उसके बाद पार्डन बना दिया इन्होंने. भाई क्यों पार्डन, किसका पार्डन, कहां पार्डन, क्यों, व्हाई? सीधी सी बात है कि इफ दिस इज व्हाट एंड व्हाट इज दिस, देन दिस इज व्हाट, व्हाट इज दिस. पहले पिछली बार शाहरुख खान आए थे, इंग्लिश में तारीफ करके गए थे मेरी. सो आई रियली समझ में नहीं आया मेरे को. Yes? Do you know where Mr. Kapil Sharma stays? मैं उन्हें इंग्लिश सिखाने आई हूँ. आप सिखाती हैं इंग्लिश? अगर ऐसी चीजें इंग्लिश सिखाती हैं, तो इंग्लिश तो भारी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं? Excuse me. शादी करने से अच्छा तो मैं इंग्लिश ही सीख लेता. Yes, yes. Do you know the address or not? I don't know. यही घर है उनका. Myself, Shri Kapil Sharma. Oh my God, Kapil! Yes, yes. Oh, Kapil, I've been looking for your house. There are lanes and there are by lanes, and I was just like as if Alice in Wonderland. You know what I mean? You
जो भी सेड ना आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई जो अंडरस्टैंड ना यू को पता भी नहीं आ गया कात पे यू आर डिस्गस्टिंग यू नो रेडिकुलस सेक्सी यू आर व्हाट Disgusting, ridiculous. तारीफ कर रहा हूँ. शाहरुख भाई आया मेरे बारे में बोल के गए थे. मैंने सेम आप पे चेप दिया. Excuse me. Yes. इसे बेइज्जती कहते हैं. What? मेरे साथ धोखा हुआ? Excuse me. Come and hug me. What? मेरे साथ धोखा हुआ? मेरे को पता नहीं चला मेरी तारीफ करके गए कि बेइज्जती करके गए. How disgusting this is. Oh my God. आपकी इंग्लिश तो वाकई बहुत वीक है. जी हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही है. अभी आप ये मना कर रहे हो कि तुम्हारी इंग्लिश को भगवान ही बचा सकता है. नो नो नो, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी बचाने की. ओके ओके, पहले मुझे आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ पता करनी. आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? मेरे पिताजी पढ़े कम थे, लिखे बहुत ज्यादा थे. मतलब पेंटर थे. तो आप ये जो दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ती ना, ये जो बिना ऑपरेशन के बवासीर का इलाज कराए, रश्मि दवाखाना बस स्टैंड के पास बुधवार के मंगलवार मिले, वो मतलब ऐसे टाइप. और आपके दादाजी क्या वो भी पेंटर थे? वो छोटे से पेंटर थे पर तम बहुत बड़े शायर थे. ये जो आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा कभी ना कभी, ये 20 के नोट 30 की माला, बुरी नजर वाला मुंह काला ट्रकों के पीछे ना, सारा मेरे दादा ही लिखते थे. तभी आपकी इंग्लिश ऐसी है. बहुत काम करना पड़ेगा. आपके साथ तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा. ओके चलो सुनाओ एबीसी. एबीसी और सुनाओ. और बस ठीक है, आप सुनाओ कैसे. अरे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं. बन जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है. करते हैं आसान आसान लाइनों की हिंदी करनी सीखते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. शी इज किडिंग. इसकी हिंदी बनानी. हाँ, शी मतलब लड़की. यस. किड मतलब बच्चा. वो बच्चे पैदा कर रही है. शी इज किडिंग का मतलब है वो मजाक कर रही है. एक्सक्यूज मी मैडम, बच्चे पैदा करना मजाक नहीं होता, समझ में आया ना. एक बच्चा पैदा करके देखो, सारी फिगर यू टर्न ना मार गई. किडिंग वहां यूज होता है जहां पर मजाक हो रहा हो, और किड वहां होता है जहां पर मजाक नहीं हो रहा हो. यार ये तुम्हारे ना यही प्रॉब्लम, मेरे को ये कंफ्यूजन बड़ी है, इसलिए मेरे को अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है. नॉलेज? नॉलेज नहीं बाबा, नॉलेज. तो ये सेड़ा हम गलत हुआ ना फिर, अगर केक बोलने नहीं तो केक को रखा क्यों, उसको छुट्टी दो. वो इसीलिए क्योंकि के साइलेंट है. के साइलेंट क्यों? भी के हस्बैंड है, वो क्यों साइलेंट है? ये इंग्लिश वाले लोगों की ना मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती. मेरे को नहीं लगता मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा. आई डोंट. सीखोगे सीखोगे. ओके एक काम करो. हाँ. जिसे इंग्लिश आती हो उसी से बात करना, बाकी सबसे बात करना छोड़ दो. मतलब अपनी फैमिली से बात करना छोड़ दो. बिट्टू, मैंने सुना शाहरुख खान आने वाले हैं. लो जी, उन्हें तो वापस आना ही था. दो हफ्ते भी नहीं रह पाए मेरे बगैर. असल में ना कमबख्त इश्क चीज ही ऐसी होती है. ओए, ये क्या चीज है? बड़ी हॉट चीज है ना. ये शाहरुख साहब आने वाले ना, तो अंग्रेजी की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इनको बुलाया सिखाने के लिए. शी टीज मी इंग्लिश. टीच. हाँ, व्हाटएवर, आई लव यू. ओह, बातें भूल ही गया मैं, शाहरुख खान आने वाले. एक काम करता हूँ, मैं रेडी होके आता हूँ. ठीक है, आप इनको, आप कुछ लेंगी चाय वगैरह? इट वाज लवली मीटिंग यू. लव यू टू, डोंट वरी, मैं आता हूँ. इज दैट इंग्लिश वाज राइट? मैं प्रॉपर वर्क कर रहा हूं आजकल इंग्लिश पे. अभी देखना मैं कैसे बात करता हूं इंग्लिश में. एक्सक्यूज मी, यू अब हैंड ब्रेक क्यों लगा दी? हैंड ब्रेक लगा दी फिर. तुमको हॉट लग रहा हूं मैं. ये लगता है
गोरियां होकर भी इनको इंग्लिश नहीं आ रही, वहां की अनपढ़ होगी पक्का। अबे तू हिंदी बोल रहा है, तू हिंदी बोल रहा है, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला।